अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं आलू के कटलेट। आलू के कटलेट कह सकते हैं, आलू की टिक्किया कह सकते हैं, आलू के कबाब कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 1 किलो आलू, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच सूखा धनिया, नमक हल्दी जायका, 6 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर, 2 दड़फड़ लाल मिर्चें हैं, 2 चम्मच दड़फड़ लाल मिर्चें, आधी गट्ठी धनिया और पुदीना है। ये 1 किलो आलू जो मैंने लिए हैं इनको अच्छे से उबाल कर छील कर मैंने ये बाउल में डाल लिया है। सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमने जो बाउल में आलू ले लिए हैं उनको मैंने काट लिए हैं। इसमें हम ये आधा गट्ठी धनिया और पुदीना, चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, अनारदाना, सॉल्ट टू टेस्ट, ग्रीन चिली, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाइट चिली, वाइट पेपर और 1 लेमन इसके ऊपर हम स्क्वीज कर देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। अभी आप इसको अपनी शेप दे दें। इस तरह आप सबको जितना भी बैटर है उसको शेप देकर रख लें। ये सारे कबाब हमने कटलेट जो है वो रेडी करके रख दिए थे। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए अंडा, वाइट पेपर और सॉल्ट। 1 पिंच मैंने वाइट पेपर और 1 पिंच सॉल्ट डाला है। आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्स के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। मैं ब्रेड क्रम यूज़ नहीं करी, सिर्फ अंडा यूज़ करी। अगर आप चाहें तो पहले इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर अंडे में कोट करके फ्राई कर सकते हैं। इसको हीट कर लें। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गए हैं हमारे आलू के कटलेट। साथ में मैंने मायोनीज की सॉस बनाई है। इस सॉस को बनाने के लिए आपको ग्रीन चिलीज, पुदीना और न्याजबो के पत्ते चाहिए, नमक हल्दी जायका। उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मायोनीज में आपने उसे मिक्स कर लेना तो आपकी अच्छी सी सॉस तैयार हो जाएगी। आप इसमें मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं और क्रीम चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।